नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। आप देख रहे हैं शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। अभी आरा भोजपुर बिहार में एक मॉल के उद्घाटन में पहुंचे हुए हैं बिहार विधान पार्षद के सभापति अवधेश नारायण सिंह जी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मिले हुए हैं और मिलने के बाद इन्होंने क्या कुछ बातें की हैं बिहार को लेकर, बिहार के विकास को लेकर। चलिए इनसे ही जानते हैं। सर, सबसे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, क्या कुछ बातें हुई आपकी, क्या कुछ चर्चाएं चली बिहार को लेकर, क्या कुछ हुआ? पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से मत कहना। जनता जानना चाह रही है। इससे खुशी होगा कि नहीं कहेंगे, लोग सब लोग कहेंगे, नहीं कहेंगे। नहीं तो ये है कि हम गए वहाँ पर और आधा घंटा करीब बात हुआ और एक यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोगों के नेता उनसे मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, अब वो बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद बिहार के बारे में जिसे हमने बात किया वहाँ पर, एटॉमिक एनर्जी कमीशन से एक यहाँ पर कैंसर अस्पताल मुजफ्फरपुर में बनने वाला है, लेकिन 3 बरस से ऊपर वो हेल्थ डिपार्टमेंट से नहीं है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के द्वारा बनाया जा रहा है। तो उसके बारे में मैंने कहा कि उसको जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए। उसके बाद में दूसरा मैं ये किया कि वो दरभंगा में दूसरा एक एम्स बन रहा है ताकि उधर के लोगों को फीडबैक मिले, वहाँ के लोगों को मिले। ये उसके बारे में 3 बरस से वो आगे उसको बढ़ाना है, 3 बरस हो गया, तो इसलिए उसको जल्द से जल्द उस पर ध्यान दिया जाए। तो ये बातें तो हो गई विकास की। फिर अपना हुआ बनारस में जो हुआ बात, और बनारस में जो कैंसर हॉस्पिटल है उसके बारे में भी कि उस पर बहुत अच्छा काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि हम लोग को, सब लोग को जो इससे पीड़ित है वो जाना पड़ता था उसको बम्बई में, लेकिन बम्बई में जाए जब बम्बई से भी अच्छा इलाज अब होने लगा है यहाँ बनारस में। और इसका प्रचार भी होना चाहिए ताकि लोग कम खर्च में, और इसके लिए बिहार सरकार मदद भी करती है, जिसको कैंसर होता है उसके लिए अनुदान देती है। इसलिए इस सब का प्रचार होना चाहिए इसके माध्यम से ताकि लोगों को राहत मिले और सहायता मिल सके। सर, यूपी का चुनाव भी आप जा रहे हैं, दौरा करेंगे, उत्तर प्रदेश का चुनाव है? नहीं, चुनाव में हम दौरा नहीं करेंगे। हम किसी पार्टी से हैं ज़रूर, लेकिन ये है, लेकिन अभी संवैधानिक पोस्ट पर मैं हूँ, सभापति हूँ, तो ऐसा ये माना जाता है, मान्यता है कि सभी दल मेरे लिए बराबर हैं। और ऐसे व्यवहार में भी सभी दल मेरे लिए बराबर हैं, ऐसा मैं व्यवहार भी करता हूँ। सभी जाति, सभी दल हमको सपोर्ट भी करते हैं और मैं उस तरह से व्यवहार भी करता हूँ। तो ये सब का ध्यान में रखते हुए किस चुनाव प्रचार में नहीं जाना चाहिए। बिहार केवल अपने चुनाव प्रचार में जा सकते हैं। सर, अपने चुनाव प्रचार में जा सकते हैं। सर, मोदी जी से बात हुई तो क्या बुलाया आपने बिहार में? बिहार में भी एक बार आए, घूमे फिर से? वो तो बुलाने का काम तो हम लोग बराबर जब जाएंगे तब करेंगे, और चुनावों में तो आते ही रहते हैं, और सरकार के द्वारा इन्विटेशन जाएगा। अभी 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं उनसे भेंट करने के लिए, तो वो भी इन्वाइट करेंगे, ये सब करेंगे। ये काम है, हम लोग तो काम है, आएंगे तो स्वागत करना, ये हम लोग का काम है, करेंगे। कई सारे फंड जो हैं भोजपुर को लेके, रोड को लेके, या इसके विकास को लेके, रोड भी बहुत खस्ता हाल में है अभी। ये तो आज हम देखे ऐसे मई में, हम बहुत घूमने वाले आदमी हैं, घुमंतु नेता मेरा नाम ही है, लेकिन यहाँ 1.5 वर्षों से कोविड के चलते, कोरोना के चलते घूमना फिरना कम हो गया। तो इस बीच में आज हम आए, बीच में भी आए थे लेकिन इतना नहीं देखे, आज आए तो देखे रोड की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। तो इसलिए इसका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और इसके लिए हम ट्राई भी करेंगे, हमारी सरकार है और हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री से जा कर के मैं कल ही कहूँगा कि इस तरह से मैं देख के आया हूँ, जल्द से जल्द इसका होना चाहिए और होकर रहेगा, ये मैं कह दिया ओके रहेगा। इन्होंने वादा कर दिया है आरा वासियों के लिए। तो देख रहे थे आप शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। अवधेश नारायण सिंह जो कि सभापति हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उन्होंने दिया है आशा एक भारत पे, और क्या कुछ कहा ये आपने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्होंने अभी मुलाकात भी की है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, जिस तरीके से विकास होना चाहिए उसको लेकर भी इन्होंने बातें रखी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के पास। खबर यहीं तक, आप देख रहे थे शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत में। रहना सिंह, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।